हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूफीज कॉर्नर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्याज कीमा, जिसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, 1 किलो प्याज ली है और 3-4 लाल मिर्च, 5-6 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 7-8 लहसुन की कलियां, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। मसालों में 3 पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च ली है और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। तो सबसे पहले 250 ml तेल को गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही साथ प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज हल्की सी गुलाबी हुई है। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें लाल मिर्च कटी हुई, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। भून गया है, अब इसमें 2 चम्मचे दही ऐड कर देंगे। आप चाहें तो खटाई भी ऐड कर लें। यहाँ दही इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि जो प्याज का मीठापन है वो इससे कम हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और गरम मसाला ऐड कर दें और हरी मिर्च भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तैयार है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाते रहें। और अगर आप ऐसी ही रेसिपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जूफीज़ कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।